सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 22 मार्च। भगवान का स्मरण कर गृहस्थी की जाए तो वो अच्छी होगी। नारद ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, आपको कहाँ ढूंढा जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, रुक्मिणी के महल में रहूंगा ऐसा भी संभव नहीं है। मैं तो अपने भक्त के पास ही रहूंगा। क्या भक्त भगवान के सिवाय रह सकता है? देवता को देवत्व किसके कारण प्राप्त हुआ? यदि भक्त नहीं होंगे तो देवता का अस्तित्व भी कैसे संभव है? जो मानते हैं कि देवता है उन्हीं को देवता का अस्तित्व समझता है। नास्तिक के लिए देवता कहां? यदि उससे पूछा जाए, तुम्हारा इस दुनिया में कौन है, तो वो कहेगा, ये जो सब कुछ है, भाई बहन पति पत्नी बच्चे नातेदार गृहस्थी में लगने वाली सभी बातें, ये सब मेरी हैं। किंतु देवता के लिए मन में क्या स्थान? जिसने विश्व निर्माण किया उसे भूल जाए और जो निर्माण किया है उसे मेरा है कहा जाए, क्या ये परमार्थ है? अतः देवता है ऐसी भावना निर्माण करो और उसके लिए दरवाजा खोलो, तब वो सदा के लिए तुम्हारे पास ही होगा। इस प्रकार की भावना से देवता को अपना बनाना चाहिए। जहां भी कहीं जाएंगे प्रभु राम को अपने साथ ले जाओ, तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं होगा। भगवान राम को साथ ले जाने की उक्ति आपको तो आश्चर्यकारक लगेगी, लेकिन जिन्हें देवता नहीं है ऐसा लगता है उनसे हमारा क्या सरोकार? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के फंदे में आ गया उसकी गृहस्थी का विघटन हो गया। किंतु ये गौर करने की बात है कि जिसने गृहस्थी निर्माण की उसे भूलकर क्या गृहस्थी अच्छे ढंग से होगी? ये असंभव है। उसका स्मरण करके ही गृहस्थी अच्छी होगी। गृहस्थी का त्याग कर परमार्थ नहीं सधेगा। गृहस्थी करो लेकिन उसमें जो आसक्ति है उसका त्याग करो। तुम सबको जड़ भरत की कहानी ज्ञात है। भरत यद्यपि घर बार छोड़कर वन में गया तो भी वहां उसे हिरनों की आसक्ति हुई। हिरन की क्या या आदमी की क्या, आसक्ति तो आसक्ति ही होती है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक परमार्थ की बातें व्यर्थ है। अतः आसक्ति का त्याग करो और निरंतर मेरा प्रभु राम मेरे पास है, मुझ में है, ये भावना दृढ़ करो। एक व्यक्ति ने पूछा, आप सबसे मानस पूजा करने के लिए कहते हैं किंतु एक अकेला राम सबके पास कैसे पहुंच पाएगा? मैंने उससे कहा, तुम मानस पूजा करो तो वो तुम्हारे पास भी होगा। भगवान राम सब में है, सभी स्थानों में व्याप्त है, तो उसका कहीं जाना कहीं से आना आदि बातें निरर्थक है। हमें उसे जरूर देखना चाहिए। भगवंत का नाम स्मरण दहलीज का दीपक है, उससे गृहस्थी और भगवान दोनों के लिए प्रकाश प्राप्त होगा। भगवान के भरोसे सब सौंप कर निश्चिंत होने को ही अनुसंधान कहते हैं। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।